अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जीजू चलते हैं रवि को ढूंढते, चलिए। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, हमारी बहू को तो हमसे छीन लिया, अब क्या हमारे बेटे को भी हमसे छीन लोगी? क्या बोल रही है दादी, रूही को ढूंढना होगा ना? ना नहीं नहीं बेटा, ये खाई है, गड्ढा नहीं है, यहाँ पर तेरी जान को खतरा हो सकता है। हमें किसी रेस्क्यू पार्टी को भेजना चाहिए रूही को ढूंढने के लिए, तू नीचे नहीं जाएगा। वो उनका बुलाना चाहिए, वो ढूंढेंगे ना, वो ढूंढेंगे। पर उससे पहले ना इस लड़की को जेल भिजवाना होगा। पहले कि ये लड़की अपनी बहन का खून करके भाग जाए, मैं इसे यही बांध के पकड़े रहती हूँ। दामा जी, आप पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए। माँ ये क्या कर रही हैं आप? इस लड़की ने अपनी बहन को मारा है, ये जेल तो जाके रहेगी। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। छीन लिया, ये जेल तो जाके रहेगी, तो पुलिस को बुला, मैं इसे पकड़ के रखती हूँ। नहीं दादी, रूही है, रूही ठीक है। रोहित, तुम ठीक तो हो ना? ना, ना, रोहित नहीं का भूत है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे नीचे गिरते हुए देखा है, वो बच नहीं सकती, नहीं बच सकती बेटा, रोहित नहीं है, भूत है वो। मैं ठीक हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं रोहित ही हूँ। हाँ दादी, आप क्या बोल रही है, भूत भूत नहीं है, रोहित है यार। रूही, रूही, तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना? मेरी तो जाने निकल गई थी, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला मेरा हाथ कैसे लग गया तुझ पर। सॉरी, मुझे माफ कर दे। जूही शांत हो जा, मैं ठीक हूँ और तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तूने मुझे धक्का नहीं दिया है। और वहाँ पर फिसलन थी, पता नहीं कैसे अचानक से मेरा पैर उस पर गया और मैं फिसल गई। दादी, जूही ने मुझे धक्का नहीं दिया है, मैं खुद फिसली थी। रूही बेटा, इतनी गहरी खाई है, तुम बची कैसे? थैंक गॉड रूही, तुम ठीक हो, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे रूही? चाको राखे साईया, मार सके ना कोई, शायद खाटू जी का आशीर्वाद और उनके भक्त ने मुझे बचा लिया। भक्त? कौन भक्त? एक सेकेंड, आराम से संभल के।
ये श्री सुंदरा जी हैं, इन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया। घास का घट्टर नहीं फेंका होता तो शायद मैं जाकर पत्थर से टकरा जाती और मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आती और शायद मेरा बचना भी मुश्किल हो जाता। पर मुझे बचाने के लिए इन्होंने अपने पैर में भी गहरी चोट लगा ली। थैंक यू सुंदरा जी, आपने रूही को बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। थैंक यू सो मच। इसमें एहसान कैसा, ये तो इंसानियत का फर्ज है। मेरी बहन को बचाने के लिए थैंक यू सो मच श्री सुंदरा जी। अगर आज आपने रूही को नहीं बचाया होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। थैंक यू। नार बेटा, श्री सुंदरा के पैर में बहुत चोट लगी है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। जी पापा। जी जी सुंदरा जी, आप हॉस्पिटल चलिए। नहीं नहीं, मैं सैर नहीं जाएगी, मैं यही ठीक है। आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप लोग इनका ख्याल रखिए, मैं यही कहीं पास में इलाज करा लेगी अपना। नहीं सुंदरा जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, एटलीस्ट हमें इतना तो करने दीजिए। हमें आपको हॉस्पिटल लेके जाने दीजिए, आपका इलाज करने दीजिए प्लीज। जी जैसा आप लोग को ठीक लगे। आइए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चलिए। माँ जी, कहीं रूही को गिराने का प्लान आपका तो नहीं था? ज्यादा दिमाग मत लगाओ सुन, तुम्हारी दोनों बहुएं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है ना, इसी में संतुष्ट रहो। और एक बात अच्छे से समझ लो, इन दोनों बहनों को अलग करना इतना आसान काम नहीं है। छोटे मोटे धमाके तो बहुत कर लिए हैं, अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे रूही की दुनिया ही हिल जाए। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन गिरते वक्त ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरी दुनिया में कोई भूचाल आ गया। खाटू जी, परेशानी से डर नहीं लगता, लेकिन आप उससे लड़ने की और सहने की शक्ति दें। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।